तो दोस्तों, आपको किसी भी गाड़ी या फिर बाइक की माइलेज के बारे में पता होगा। माइलेज यानी कि एक लीटर तेल में कोई भी गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है। हाँ हाँ, ये पता होगा तुमको। बट क्या तुम्हें पता है एक ट्रेन के इंजन का माइलेज कितना होता है? और तुमने कई तरह के डिजाइन की जींस ट्राई की होंगी, कोई फटी हुई, कोई सिली हुई, वैसे तो सभी सिली रहती है, बट कोई टाइट, कोई ढीली। पर ज्यादातर जींस में कॉमन बात रही होगी वो रही होगी ये राइट साइड वाली छोटी सी पॉकेट। बट ये छोटी सी पॉकेट आखिरकार लगाई क्यों गई थी? क्या ये सिर्फ फैशन के लिए लगाई गई थी या फिर इसके पीछे कोई रीजन था? और ऑब्वियसली अगर ये सिर्फ फैशन के लिए लगाई गई होती तो मैं आपको इसके बारे में क्यों बताता? इसके पीछे कोई रीजन है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। सो यो व्हाट इज अप यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका फ्लाई माइंड्स की नई और खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सात ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानने के बाद आपका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। वो रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 7। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी रेंटल फैमिली सर्विस का नाम सुना है? क्या नहीं सुना? तो ये जो है ना जापान में बहुत पुराने टाइम से चली आ रही एक सर्विस है। और इस सर्विस में जो है ना जापान के लोग लिटरली माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, ताया ताऊ, फूफा फूफी, मामा मामी, नाना नानी, मतलब परिवार के कई सदस्य को और शादी के लिए मेहमानों को कुछ टाइम के लिए किराए पर ले सकते हैं। इस सर्विस की शुरुआत वहाँ सबसे पहले 1990 में हुई थी और आप इसके बारे में विकिपीडिया पे भी देख सकते हैं। वहाँ मतलब सही है यार, इन सर्विस वालों का शादी में जाओ, खाओ पियो और जाने के पैसे भी मिलेंगे। फैक्ट नंबर 6। तो आपने अपने फ्रिज में ऊपर ऐसे बर्फ जमी हुई जरूर देखी होगी, बट ये ऊपर कैसे जम जाती है? हम तो पानी को नीचे रखते हैं और इतना पानी तो फ्रिज में गिरता भी नहीं है। तो होता क्या है कि जब पानी से बर्फ बनती है तो 10% पानी जो है उड़ जाता है और इसी की वजह से ऊपर ये सारी ऐसे बर्फ जम जाती है। फैक्ट नंबर 5। तो गाइस, चीन में जो है एक तुजाई जनजाति रहती है और इस जनजाति में जो है ना जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तब वो लड़की अपनी शादी से 1 महीने पहले अपनी माँ के साथ रोने की प्रैक्टिस करती है। और वो इसलिए ताकि वो शादी के दिन सही से रो सके। इस जनजाति में जो है रोने को शादी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है और जो लड़की अपनी शादी के दिन सही से नहीं रोती है उस लड़की को और उसके परिवार वालों को गाँव वाले लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तो गाइज, इसी फैक्ट पर एक एक ताना कमेंट करो उस लड़की के लिए जो अपनी शादी के दिन नहीं रोती है। और ये सिर्फ मैं मजे के लिए कह रहा हूँ, इसलिए लड़कियाँ भी कमेंट कर सकती हैं, ठीक है? फैक्ट नंबर 4। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ एक मजेदार, इंटरेस्टिंग और थोड़े से फनी कॉन्टेस्ट के बारे में। तो इस कॉन्टेस्ट का नाम है इंटरनेशनल हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट और ये जो है हर साल यूकोन कनाडा के एक रिजॉर्ट तखिनी हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस कॉन्टेस्ट में होता क्या है कि इसके जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं सबसे पहले वो एक गर्म पानी के झरने में बैठते हैं और सिर्फ अपना गीला सर जो है बाहर रखते हैं। बाहर का टेम्परेचर जो कि बहुत ही ठंडा होता है जिसकी वजह से कुछ ही टाइम बाद इनके बाल जो है पूरी तरह से जम जाते हैं। और जब सभी लोगों के बाल अच्छी तरह से जम जाते हैं तब जिन भी लोगों के बाल सबसे अच्छे स्टाइल में जमे रहते हैं वो इस कॉन्टेस्ट के विनर होते हैं। ये कॉन्टेस्ट जो है 2011 में शुरू हुआ था और हर साल फरवरी के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और क्या तुम्हें पता है इस कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है उसको $2,000 का इनाम दिया जाता है। और $2,000 तुम समझ ही लो इंडियन रुपीस में मतलब 1.5 लाख रुपए से ऊपर ही होते हैं और आप इसके बारे में भी विकिपीडिया पे देख सकते हो। तो गाइस, अब सिर्फ 3 फैक्ट बचे हैं और वो सच में बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो फैक्ट नंबर 3। तो क्या आपको पता है इस यूनिवर्स की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी संरचना क्या है? शायद कुछ लोगों को पता होगा जिनका मेरी तरह स्पेस साइंस में इंटरेस्ट होगा, बट फिर भी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लो। तो अब तक की खोजी गई यूनिवर्स की सबसे बड़ी संरचना है हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। ये जो है आकाशगंगाओं का एक सुपर क्लस्टर है और ये इतना बड़ा है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करते हैं तब भी हमें इसके एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में 10 बिलियन यानी कि 1,000 करोड़ साल लग जाएंगे। भाई मतलब जब तक मैंने इसके साइज के बारे में नहीं जाना था तब तक मुझे इसका नाम थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट इसके साइज के हिसाब से तो इसका नाम कुछ भी नहीं है। तो ये तो हो गई इसके साइज की बात, अब बात करते हैं कि साइंटिस्टों ने इसे खोजा कैसे। तो नवंबर 2013 में गामा रे बस्ट की मैपिंग के समय साइंटिस्टों ने 19 से भी ज्यादा गामा रे बस्ट का एक समूह पाया जिसमें ये बस्ट एक दूसरे से बहुत ही करीब हो रहे थे। जिसके बाद साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया और तब पता चला इस 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैली इस संरचना के बारे में जिसका नाम पड़ा हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल। तो अब आप ये पूछ रहे होंगे कि भाई ये गामा रे बस्ट क्या होते हैं? तो ये जो है ना बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरे विस्फोट होते हैं जिन्हें ज्यादातर दूर की गैलेक्सीज में दर्ज किया जाता है। ये यूनिवर्स की सबसे ब्राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटनाएं होती है। बट क्या तुम्हें पता है भौतिक विज्ञान के अनुसार इस संरचना को जो है यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये संरचना यूनिवर्स में होनी ही नहीं चाहिए थी। मगर क्यों? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के सिद्धांत कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अनुसार यूनिवर्स में कोई भी संरचना 1.2 अरब लाइट ईयर से बड़ी नहीं हो सकती, जबकि हरक्यूलिस कोरोना बोरियालिस ग्रेट वॉल इससे 8 गुना बड़ी है जो कि इस प्रिंसिपल के बिल्कुल ऑपोजिट है। फैक्ट नंबर 2। तो आपने कई तरह की जींस ट्राई की होंगी बट ज्यादातर जींस में एक कॉमन बात रही होगी वो रही होगी राइट साइड वाली छोटी सी पॉकेट। बट ये आखिरकार होती क्यों है? आपको लगता होगा ये कॉइन्स वगैरह रखने के लिए होती है, वैसे तो अब इसका यूज इसीलिए होता है, बट इसको लगाने का जो पर्पस था वो कुछ और था और उसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा
जाएगा इसके पास्ट में। और क्या तुम्हें पता है इस पॉकेट के चारों कोनों पर जो ये मेटल के बटन लगे हुए हैं इनको लगाने का भी एक पर्पस था। तो चलो जानते हैं। तो जींस को बनाया गया था कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए, और उस टाइम हाथ घड़ी जो ये ऐसे होती है उसका बहुत ही ट्रेंड था। अब मजदूर उस घड़ी को अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखते थे तो उसके गिरने का जो है डर रहता था, इसीलिए जींस में जो है ये छोटी सी पॉकेट बना दी गई। अब मजदूर जो है अपनी घड़ी को इस पॉकेट में रखने लगे, बट इस पॉकेट के साथ भी एक प्रॉब्लम थी। मजदूरों की शिकायत थी कि यह पॉकेट जो है बार बार फट जाती है। तब टेलर जेकब डेविस ने एक जुगाड़ निकाला और इसके चारों कोनों पर मेटल के पुर्जे फिट कर दिए, जो कि अब फैशन बन चुके हैं। बट इसके बाद जींस के और भी बुरे दिन शुरू हो गए और लोगों ने जींस पे कई अत्याचार किए। अब लोग इसे फैशन कहते हैं, बट इसे फैशन नहीं, इसको शोषण कहते हैं। तो फैक्ट नंबर वन से पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो यार, किस बात को वेट कर रहे हो। फैक्ट नंबर वन, तो आपको किसी भी गाड़ी या फिर बाइक के माइलेज के बारे में पता होगा। आपके पास भी कोई गाड़ी होगी तो उसका भी कुछ माइलेज होगा, बट क्या आपको पता है एक ट्रेन के इंजन का माइलेज कितना होता है? तो चलो जानते हैं। तो इंडियन रेलवे के इंजन में जो टंकी लगी रहती है वो तीन टाइप की होती है, 5000 लीटर, 5500 लीटर और 6000 लीटर डीजल वाली। अब ट्रेन के इंजन का माइलेज दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला कि ट्रेन में कितना वेट, दूसरा कि ट्रेन कितनी बार रुक रही है। तो बात करें 12 कोच वाली पैसेंजर ट्रेन की, तो ये 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देती है, और 24 कोच वाली एक्सप्रेस ट्रेन भी 6 लीटर प्रति किलोमीटर का माइलेज देती है। बट अगर एक्सप्रेस ट्रेन 12 डिब्बों के साथ ट्रेवल करती है तो इसका माइलेज 4.5 लीटर प्रति किलोमीटर हो जाता है। पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के माइलेज में अंतर इसलिए होता है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन जो है सभी स्टेशनों पर रुकती है और इसमें ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज जो है ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका माइलेज जो है कम हो जाता है। वहीं इसके ऑपोजिट एक्सप्रेस ट्रेन जो है कम जगह पर रुकती है और इसमें ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज भी जो है कम होता है, जिसकी वजह से इसका माइलेज जो है ज्यादा होता है। और मालगाड़ी का माइलेज काफी अलग होता है, कई बार मालगाड़ी खाली चलती है तो कई बार इसमें काफी वजन होता है, और ऑब्वियसली अगर इसमें वजन ज्यादा होगा तो इसका माइलेज कम होगा, और अगर इसमें वजन कम होगा तो इसका माइलेज जो है ज्यादा होगा। और क्या आपको पता है ट्रेन के स्टेशन पर रुकने पर उसके इंजन को इसलिए बंद नहीं किया जाता क्योंकि ट्रेन के इंजन को स्टार्ट करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। और बात करें कि इसको स्टार्ट करने में कितना तेल लगता है, तो इसको स्टार्ट करने में उतना ही तेल लगता है जितना कि किसी बाइक या फिर स्कूटी को स्टार्ट करने में लगता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपना रिएक्शन बता के जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।